अलीराजपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। खंडवा बड़ौदा मार्ग पर अल सुबह वाहन चेकिंग के दौरान केमिकल के टैंकर में अवैध रूप से छुपाकर गुजरात ले जा रही शराब को जब्त किया। लगभग 250 पेटी से अधिक शराब जब्त की गई है। जब्त शराब का बाजार मूल्य 10 लाख से अधिक आका गया है। फिलहाल गिनती चल रही है। ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। यह शराब हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी। नशा मुक्ति अभियान के तहत अवैध शराब में लिप्त, NDPS के प्रकरण में लिप्त किसी भी आरोपी को बख्शा न जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री महोदय के इसी निर्देश के पालन में, हमारे DG साहब के निर्देश के पालन में, हम लोगों ने लगातार चेकिंग की अभियान जारी कर रखा है। बीती रात चांदपुर थाना प्रभारी उनकी पूरी टीम के द्वारा अवैध शराब से भरा टैंकर पकड़ा गया है। जो टैंकर पंजाब चंडीगढ़ से चलकर राजस्थान मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात को जा रहा था। टैंकर को पकड़ने के बाद उसमें भरे शराब की काउंटिंग की गई। काउंटिंग करने के बाद 210 पेटी नैनो, 108 पेटी मैकडोनाल्ड और 60 पेटी 999 शराब पकड़ी गई है नंबर की, जिसकी कुल कीमत लगभग 31.5 लाख हो रही है। इस प्रकार थाना प्रभारी चांदपुर, उनकी पूरी टीम SDOP अलीराजपुर के द्वारा बहुत ही बढ़िया और सराहनीय और सख्त कार्रवाई की गई है। मैं अपनी तरफ से पूरी टीम को 10,000 रुपये इनाम घोषित करता हूं। साथ ही इस पूरी टीम को और अधिक इनाम के लिए IG साहब और DI साहब से रिकमेंड भी करूंगा। जो ट्रक और टैंकर पकड़ा गया है उसकी भी कीमत लगभग 18-19 लाख है। इस प्रकार पूरे मात्रा में जो जब्त टैंकर और शराब है उसको। अलीराजपुर से फिरोज पठान की रिपोर्ट।